बात की हम तह तक जाए, सोच समझ के होश जोश में, खेल खेल में समझे समझाए। दिनेश दिवाकर, ये सब हमारे दोस्तों के नाम नहीं, ये नाम है सिर्फ एक हीरो का। एक हीरो जिसके सामने बड़े बड़ों के छूट जाते हैं पसीने, और जो ना रहे तो ना रहे हम, ना रहे आप, और ना रहे ये पृथ्वी। तो आ रहे हैं दिन के हीरो सूरज। सौर मंडल का हीरो है सूरज। पृथ्वी की ऊर्जा का बिल्कुल अकेला एकमात्र स्रोत। सूरज की पकड़ में उसके चक्कर काटती पृथ्वी, उसके प्रकाश की ताल पर सोती जगती जिंदा पृथ्वी। आज इसी सूरज को समझने के खेल। नैतिकता पर जोर, पूरे देश को एक कड़ी में बांधने का प्रयास, एक अच्छी शिक्षा देने का ध्येय, देश के 1090 केंद्रीय विद्यालयों में से देहरादून का केंद्रीय विद्यालय। देहरादून उत्तराखंड की राजधानी, शिक्षा का घर, देहरादून का मोहकमपुर। जोश के साथ, होश के साथ, मजे से खेलने का वादा। हमारे आज के हीरो सूरज आसमान चढ़े हैं और उनको देखने के लिए सबको मिल रहा है खास तौर पर बना सोलर फिल्टर। ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ का चांद होगा, बहुत ही गोल लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि पूर्णिमा का चांद होगा। मेरे आगे एक बल्ब लगा होगा, तो बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। वहाँ पे तक गोल गोल लग रहा है, मून जैसा लग रहा है, वाइट वाइट ऐसा लग रहा है जैसे हम चांद को देख रहे हैं। चांद चांद जैसा चमक रहा होगा, रात हो रखी होगी। लेकिन रात नहीं, अभी है दिन और सूरज चमक रहा है, बिखेर रहा है अपनी किरणें। अगर सूरज नहीं होती तो हमें रोशनी नहीं मिलती, तो प्लांट अपना फूड भी नहीं बना पाते, तो हम भी नहीं रह पाते। अगर रात नहीं होती तो शायद ये हमारी थकान भी नहीं मिटती, हम सारा दिन काम ही करते नहीं, हम जिंदा नहीं होते। अगर सूरज नहीं होता तो नदी भी नहीं बहती, बारिश नहीं होती। अगर सूरज नहीं होता तो पानी भी बिल्कुल शायद सूख जाता। सन, सूरज, अगर ये लाल गेंद तो कैसे घूमेगी हमारी पृथ्वी? पृथ्वी की तरह अपनी धुरी पर चक्कर, साथ में सूरज की परिक्रमा। सब बच्चे पृथ्वी और सूरज बीच में, लेकिन यहाँ तो सब अपनी मन मर्जी घूम रहे हैं। इसमें क्या गलत हो सकता है, पूछा हमने तो मिले ये जवाब। पर जब हम घूम रहे थे हम अपनी एक्सिस पे नहीं घूम रहे थे, और जब भी अर्थ घूमती है वो थोड़ा सा टेढ़ा होकर घूमती है। वो हम राइट साइड की तरफ से जाते हैं, राइट की लेफ्ट की तरफ, और जो हम रोटेशन करते हैं एक ही जगह पे ऑन इट्स एक्सिस, वो भी राइट साइड की तरफ होता है। राइट और लेफ्ट अंतरिक्ष की थ्री डायमेंशनल दुनिया में हो सकता है चकराने वाला, तो क्यों ना बाएं हाथ लेफ्ट हैंड को कमर पे रख के बना लें पूर्व ईस्ट, दाहिना हाथ राइट हैंड है नीचे सीधा वो पश्चिम। अब पृथ्वी घूमेगी पूर्व से पश्चिम की ओर। भारत की नजर से देखें तो कलकत्ता में मुंबई से पहले सूरज उगेगा। थोड़ी दूर घूमने पर ही हमारी इन पृथ्वियों को तो आ रहे हैं चक्कर, लेकिन बिन चक्राए हम बढ़ाते हैं खेल आगे। पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने से जुड़े हमारे रात और हमारे दिन, 24 घंटे में एक चक्कर। क्यों, कब और कैसे होता है दिन रात? बट गए सब खिलाड़ी चार चार की टोलियों में, सामने एक एक ग्लोब,
ग्लोब पर ढूंढनी है चार ऐसी जगहें जो अलग अलग चार दिशाओं में हो, मानो पीठ से पीठ। पहली टोली तैयार, चार देश लिए हैं चुन। क्या लग रहा है हम क्या करने वाले हैं? मैम फोर डायरेक्शन होती है और मैम हमें मैम अपोजिट अपोजिट साइड मैम एक दूसरे के मैम खड़ा कर देना है। सवाल ढूंढे जवाब पाए, बातें कम खेल ज्यादा। इंडिया बन जाते हैं पृथ्वी, दिशा और स्थिति का ध्यान रखते हुए। मोरक्को, तो किस स्थिति में बजेंगे भारत में दोपहर के 12? सूरज के बिल्कुल सीध में आ गया भारत, 12 बजे। इंडिया के पीछे अभी क्या है? मैम रात। तो वहाँ पर बच्चे अभी क्या कर रहे होंगे? यूनाइटेड स्टेट के बच्चे या तो डिनर कर रहे होंगे या तो सो रहे होंगे। कोलंबिया में इस वक्त अगर ये सन है तो क्या है? कम डिनर, जो सन है वो हमारी तरफ है और इसलिए दिन। बोलो यूनाइटेड स्टेट्स में क्या हो रहा है? क्यों? खेल के मैदान में भूगोल, इंडिया, साउथ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया। मैम क्योंकि जब मैम अर्थ घूमती है तो मैम धूप, मैम उसके मैम जहाँ वो घूमती है वहीं पर धूप पड़ती है और मैम जहाँ धूप नहीं पड़ती है वहाँ उस साइड अंधेरा हो जाता है। सिर्फ एक डिब्बा, वो भी पुराना, एक बोतल और थोड़ा सा पानी और हमारी हाथ की कलाकारी। सिर्फ टीवी पर देख के ये मत सोचिए कि देख लिया, खुद ट्राई कीजिए। तो कौन है आज के 6 चुने गए खिलाड़ी? सोच समझ कर बोलने वाली स्नेहा, क्या सपना है इनका? मेरा भी एक सपना है कि मैं भी आकाश में उड़ूं। टेक्नोलॉजी पसंद आकाश को और चाहत इंजीनियर बनने की। निखिल को समुंदर की गहराई से प्यार, बनना है सबमरीन ऑफिसर। शाह को सही से देख सकता हूँ, उसकी पिक्चर्स लेके अपने दोस्तों को दिखा सकता हूँ। पुलिस ऑफिसर बनेगी गरिमा, उन्हें शांति और अमन पसंद। ताकि जो हमारे देश में अभी तरह तरह के हादसे हो रहे हैं इनकी मैं अच्छे से जांच कर सकूं और कोशिश करूं कि ये सब ना हो। हंसमुख है नैनी, पसंद कंप्यूटर्स, उन्हीं की जोड़ तोड़ इनकी हॉबी। छोटे से मयंक का सपना बड़ा, जोश देश प्रेम और विश्वास से भरा। मुझे फौजी बनना बहुत पसंद है और देश की रक्षा करना। आज 2 ही टीम्स, क्योंकि काम है ज्यादा। मिला है एक एक पुराना कार्टन, खूब सारा काला कागज और गोंद, कुछ पुरानी मैगजीन्स तस्वीरों वाली, खाली बोतल और सीडी के बड़े डिब्बे का ढक्कन। कार्टन को मजबूत कर अंदर चिपका देना है काला कागज, बाहर से बिल्कुल प्रकाश अंदर ना जाए। चित्रों को काट कर चिपका देना है अंदर, सीडी के डब्बे पर भी चिपका देना है काला कागज। फिर काटना है एक गोला, बोतल की गोलाई जितना, फिट कर देनी है पानी से भरी बोतल। दूसरी तरफ काटनी है खिड़की। बना तो लिया है पर खिलाड़ियों को खुद भी नहीं पता कि ये है क्या। अंधेरे में इतनी रोशनी, मैम हमने जैसे किसी ऑब्जर्वेटरी से हम किसी दूर की चीज को देख सकते हैं, जैसे एक छोटा ऑब्जर्वेटरी है, जगह जगह के एनिमल्स को इकट्ठा करके एक ही बॉक्स में रखा गया है, उससे हम हर जगह के एनिमल्स को देख सकते हैं। तो जब आप ढक्कन लगा रहे थे तो अंदर क्या हो रहा था? मैम लाइट कम हो रही थी और अंधेरा छा गया था। मैम ऐसा लग रहा था जैसे एकदम से अंदर बल्ब जल गया। एक बॉटल से इतनी सारी लाइट कैसे आ गई? मैम क्योंकि बॉटल का जो अंदर का पानी है, बॉटल प्लास्टिक है, वो भी सन को रिफ्लेक्ट कर सकता है, पानी भी सन को रिफ्लेक्ट कर सकता है, इसलिए अंदर दोनों का मिलके रोशनी आ गई अंदर। अब बारी दे दनादन सूरज की,
कैसा बना है उनका सूरज का बल्ब। हमने ये अपने हाथ से बनाया और इसमें जो अपने दिमाग से हमने इसमें पेंटिंग जोड़ी और इसमें वो बोतल लगा के जिससे हमें लाइट दिखाई दी। जब हमने इस ढक्कन को पहले बंद था तो मैम अंधेरा था, हम जब इसे खोला तब मैम से बल्ब जल रहा होगा मैम वैसे रोशनी आने लगी, तो मैम ये फ्यूचर में काम आ सकता है कभी। जब लाइट जा सकती है या मैम जब बाढ़ आ सकती है तो हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। धूप की रोशनी सीधा डायरेक्ट पानी में आ रही होगी और सर वहाँ पर उजाला कर दिया होगा सर, जैसे ठीक वैसे ही जैसे ट्यूबलाइट करता है। बहुत रोशनी चमक रही है और ऐसा लग रहा है सुबह हो जाती है, बिल्कुल सुबह आसमान खिला रहता है ऐसे लग रहा है बिल्कुल वहाँ पर। अंकल ये खोल दी रही है, यहाँ पे क्रोकोडाइल है, यहाँ पे मगरमच्छ है, यहाँ पे क्रोकोडाइल है और टाइगर बर्ड। समय पुरस्कार का बढ़िया बना दोनों टीमों का सूरज का बोतल बल्ब, लेकिन बेहतर प्रस्तुति और सूझबूझ में बाजी मार ली सूरज के दमखम ने। दे दनादन सूरज ने भी खेला खूब समझा खूब, उनके लिए भी पुरस्कार। यही तो है खुद बुद्ध और यही हो रहा है हमारे एक और स्कूल में। वहाँ तो सूरज आने वाला है स्कूल के अंदर सच्ची। नए और पुराने का अजब मिश्रण है भोपाल। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी। आज बाल भारती निषादपुरा हमारी मंजिल। बच्चों में जोश और उत्सुकता, विज्ञान के खेल के प्रति कौतूहल भी। खेल शुरू मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ, सूरज की ताकत के परिचय के साथ। कुछ ही पलों में कागज सुलगने लगा। क्योंकि जो मैग्नीफाइंग ग्लास का ग्लास है वो कॉन्वेक्स है और कॉन्वेक्स ग्लास में जब रेज सन की आई तो वो एक पॉइंट पर सब एक पॉइंट पर फोकस हो गया और जो सारी रेस की जो एनर्जी थी वो एक ही जगह आ जाती है तो इसलिए वो जल जाता है। खेल आगे एक छोटे गोल शीशे के साथ। खिली धूप चमकता शीशा, पकड़ा है इस तरह की प्रकाश पड़े सामने सफेद शर्ट पर। ये इमेज गोल क्यों है? क्योंकि मिरर गोल है इसलिए इमेज गोल है। सन की जो रेस पड़ रही है मैम वो एक पॉइंट पे आके मैम उसके शर्ट पे फॉल कर रही है जिसकी वजह से उसका फिगर जो सन का फिगर है सर्कल वो उसके शर्ट पे फॉर्म हो रहा है। स्क्वायर मिरर से करेंगे तो क्या शेप आएगी? स्क्वायर। दूर जाओ। सबका अंदाजा चाकोर कैसी शेप है, लेकिन जैसे जैसे दूरी बढ़ी आकृति बन गई गोल। एक पॉइंट पे सन की रेस पड़ेगी तो दूसरी पे शर्ट पे जाएगी तो सर्कल ही आएगी क्योंकि सन गोल है शेप में। और फिर खुदबुद पिटारे से निकला कुछ अनोखा। एक गेंद, उस पर चिपका एक शीशा, लेकिन इससे सूरज का क्या संबंध? ये राज भी खुलेगा, पहले हाथों से काम। तीन ग्रुप्स में बटे खिलाड़ियों को मिल गई है एक एक साधारण गेंद। अब सबको बनाना है अपने लिए वैसा ही मॉडल। कटी खिड़की में भर गई मिट्टी। अभी तक हमने बॉल में मिट्टी भरी है। अपन अर्थ का शेप भी गोल, उसको अपन अर्थ समझ सकते हैं। गोल इसलिए बना रहे क्योंकि सन भी गोल है। चलते हाथ, खुद बुदाते दिमाग। अब बताए गए तरीके से शीशा लगाने की बारी। शीशे को गोल कटी खिड़की में बीचों बीच चिपकाना है।
और कागज को चारों तरफ से लेना है मोड़। ये हो रहा है शीशे का मोल्ड तैयार। इस तैयार शीशे को चिपका देना है मिट्टी भरी गेंद के ऊपर। बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है और क्यूरियोसिटी बढ़ रही है कि आगे क्या करना है। स्क्वायर मिरर से मैम हम सूरज कैसे देख सकते हैं? शायद हम वहाँ पे कुछ सन या किसी और प्लैनेट को वहाँ पे कैप्चर करें या देख पाए उसे अच्छे से। डाउटफुल लग रहा है थोड़ा कि अंधेरे में कैसा होगा सूरज। ना तो सन की कोई रेज आ रही है ना रिफ्लेक्ट पड़ रहा है, तो उसमें रोशनी भी नहीं है, तो वो कैसे दिखाएंगे? अविश्वास और कौतूहल, लेकिन क्या होगा जानने के लिए चाहिए एक अंधेरा कमरा। सूरज उगता है या उगती है पृथ्वी? डूबता है सूरज की पीठ फेर लेती है पृथ्वी। सोचना पड़ेगा। अरे सोचे क्यों, जब सूरज की तस्वीर कमरे में आ ही गई है तब खेल के समझ लेंगे। चलिए चलिए जल्दी चलिए। अपने हाथों से तैयार गेंद वाला आईना, सामने अंधेरा कमरा और ये आ गया सूरज दीवार पर। सूरज की इस अजब आकृति की जांच पड़ताल शुरू। वो अपनी जगह से हिल रहा है, उस पर कुछ काले धब्बे दिख रहे हैं, तो क्या समझे सब? अर्थ मूव करेगा तो सन अपने आप मूव करता हुआ ही दिखेगा। गैसेस मूव करती रहती हैं, वो ही हमें पिक्चर में दिख रहा था। वो जो गैसेस थी वो राइसेस हो रही थी, नीचे से उड़ रही थी और वही अपन को वहाँ पे रिफ्लेक्ट हुआ है। नहीं, हमने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि हम लोग इतने से मिरर में इतना बड़ा सूरज देख सकते हैं। हमने ऐसा कभी नहीं पढ़ा था, हम हमेशा एक कमरे में बैठ के पढ़ते थे और यहाँ पे बहुत अच्छे से पढ़ाया गया, तो बहुत अच्छा लगा। हमेशा से सुना है और ये समझा है कि सन बहुत ही बड़ा होता है, लेकिन इतने से हम मिरर से भी सन देख सकते हैं, ये बात बहुत ही अनोखी है और ये देख के हमें मुझे बहुत ही आश्चर्य हो रहा है। तो कौन है आज के 6 चुने गए खिलाड़ी? वो जो लेंगे चुनौती। कौतूहल से भरा है कौस्तु, नया आविष्कार करना है उसका सपना। मैं चाहता हूँ कि मैं ना ऐसे इन्वेंशंस करूँ जो लोगों के काम आए। अविनाश को भी बनानी है नई नई चीजें, ऐसी जिनकी कल्पना तक ना की जा सके। चाहत वैसे तो हंसती रहती है पर कभी कभी आता है गुस्सा। कई बार ऐसा होता है कि हमारी गलती नहीं होती, उसके बाद भी छोटे भाइयों और बहनों की वजह से हमें डांट खानी पड़ती है। उस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आता है कि मेरी जब गलती नहीं थी तो मुझे डांट क्यों पड़ी। फुटबॉल प्रेमी पारस को बनना है अव्वल दर्जे का फुटबॉलर। जब फुटबॉलर बनूंगा तब मेरी भी जरा बच्चे बोलेंगे कि अब मैं देखो मैं बड़े होकर रोनाल्डो बनूंगा, मैं बड़े होकर पारस बनूंगा। विश्वास और संयम साक्षी की खूबी, वो हार से घबराती नहीं और काम को पूरा करती है। भव्य का लक्ष्य 2, दुविधा भी नहीं बल्कि भरोसा की बन जाएगा दोनों। डॉक्टर मेरा परिवार चाहता है, फुटबॉलर मैं चाहता हूँ। तीनों टीमें बना चुकी हैं बॉल मिरर, तय कर चुकी हैं नाम। सूर्य स्ट्राइकर्स। सन कौन? गोल गोल सब गोल। आज की चुनौती थोड़ा नाप तोल वाली। सूरज को उतारना है जमीन पर, नापना है उसका व्यास और नापनी है बॉल मिरर से दूरी, फिर दोनों को बांट देना है, समझना है कि ये अंक हमें क्या बता रहा है। मिलजुल कर थोड़ी टेंशन में हो रहा है काम। अंक हमेशा की तरह प्रयोग की विधि, नोट्स, समझबूझ और साझेदारी के भी। सेंटीमीटर्स। क्या रेशियो का यूनिट होता है? रेशियो का यूनिट यस
सेंटीमीटर्स। खाली नंबर होता है उसका यूनिट नहीं होता। देखा कि वो ट्रायंगुलर शेप बनना है सन और ये, और डिवाइड करने से आई थिंक सन की दूरी का मेजर अपन कर सकते हैं। अच्छा लगा एक्सपेरिमेंट, पहले कभी किया नहीं था, आज करने में अच्छा लगता है। अगली प्रस्तुति के लिए टीम सन कौन? सन एक ह्यूज बॉल है फायर का और गैसेस का एक ह्यूज बॉल है। 93 सेंटीमीटर्स है कि क्या रेशियो का यूनिट नहीं होता? 93 रिलेशनशिप रेशियो बिटवीन द डिस्टेंस फ्रॉम प्रोजेक्टर टू सन एंड डायमेंशन ऑफ इमेज ऑफ द सन। कि हमने सन को एक्सप्लोर करा कि हम इतने छोटे से मिरर से एक मतलब सन को वहाँ पे प्रोजेक्ट कर सकते हैं। अंतिम प्रस्तुति के लिए गोल गोल सब गोल, प्रोजेक्टर सूरज और अर्थ, इसलिए आपकी टीम का नाम गोल गोल सब गोल। हमें मिला 108 पॉइंट समथिंग। द रेशियो बिटवीन द सन एंड द डिस्टेंस ऑफ द डायमीटर एंड द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ एंड द सन। इस बात का खुलासा जरूरी, बॉल मिरर पिन होल पद्धति से बनाता है सूरज की आकृति और सूरज पृथ्वी से अपने व्यास के 110 गुना दूर। इतना दूर कि सूरज और पृथ्वी के बीच आ जाएं 110 सूरज, इसीलिए मिलता है अंक 110। किलोमीटर में नापें तो सूरज है पृथ्वी से करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर। इस दूरी से सूरज की किरणें कोई 8 मिनट का समय लेकर पृथ्वी तक पहुंचती हैं। समय पुरस्कार का 8 सबसे सटीक परिणाम और समझ के लिए अव्वल गोल गोल सब गोल। सूर्य स्ट्राइकर्स को मिला दूसरा स्थान, उनकी भी समझ और प्रस्तुति बढ़िया। खूब खेले सन कौन भी मिला तीसरा पुरस्कार अपने खेल के प्रदर्शन के लिए। अरे हाथ मत हिलाओ, फोकस करो, फोकस डाउन। वाओ, ये देखो धूप की ताकत। खुदबुद आपको कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रियाएं, सुझाव और प्रश्न हमें लिख भेजें इस पते पर। खुदबुद विज्ञान प्रसार, C24, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, न्यू दिल्ली 110016। ईमेल आईडी है info@विज्ञानप्रसार.gov.in।